सिर्फ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाने से दीपावली में कुछ नहीं होगा। आप लाएं इस मूर्ति को तो मिलेगा आपको इतना पैसा कि आप संभाल नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को कि यार इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है, एकाएक इतना पैसा कैसे आने लगा, फैमिली में सब कुछ एकाएक चेंज कैसे हो गया। दोस्तों, तो मैं हूँ राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यू चैनल। आज मैं इसी में आपको ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश सिर्फ धन संपत्ति के देवी देवता नहीं है। ये शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में कि कौन से देवी देवता की मूर्ति लाओ तो आपको धन संपदा मिलेगी, पर्याप्त रुपया पैसा मिलेगा, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। और दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदू धर्म से संबंधित दुनिया की सारी जानकारी मिलती है। जो भी जिसमें जरूरी है, जरूरत है आपके लिए, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। आप हिंदू धर्म से संबंधित दुनिया का कोई भी प्रश्न इस चैनल पे पूछ सकते हो, जिसका उत्तर भी मैं देता हूँ। तो चलिए अब शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ सिर्फ लक्ष्मी गणेश के मूर्ति लाने से कुछ नहीं होगा, आपको कौन से देवता की या देवी की मूर्ति लाना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, ये हम सभी जानते हैं। और गणेश जो है वो विघ्नहर्ता है, ये भी हम सभी जानते हैं। और इसीलिए हम सब लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हर साल अपने घर में दीपावली के शुभ अवसर पर लाते हैं। परंतु क्या पता है आपको कि अगर धन की देवी आपके घर में आए और देवता नहीं आए, तो फिर कैसे वो कोटा पूरा होगा, कैसे आपको धन संपत्ति मिल सकती है? तब तो आपको 50% ही मिलेगा ना, कुछ भी 100% तो आपको नहीं मिल सकता। ठीक इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मी गणेश का मूर्ति लाते हैं ये तो अच्छी बात है, आप लाओ कोई बात नहीं है, परंतु आप उनके साथ साथ लक्ष्मी और कुबेर ये आप मूर्ति जरूर लाओ, या आप फोटो इसका जरूर लाओ। क्योंकि लक्ष्मी और कुबेर का यदि आप फोटो लाते हो तो लक्ष्मी धन की देवी है और कुबेर धन के देवता, तब ये दोनों मिलकर के अपना 50-50% देंगे तो आपको 100% मिलेगा, तब आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन सकते हो। मतलब आपके पास इतना पैसा आ सकता है कि आपको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपको एक बार सोचना न पड़े, आपको अपने शौक को पूरा करने के लिए सोचना न पड़े। आप याद रखो कि दीपावली के रात में लक्ष्मी गणेश के साथ साथ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा जरूर करना, नहीं तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, विषय कभी पूरी नहीं होगी। आप इतने दिन से पूजा कर रहे होंगे लक्ष्मी और गणेश की, परंतु आप देख रहे हो कि आपको सुधार नहीं मिल पा रहा होगा, आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है, फिर आप ये सोच रहे हो कि अरे यार भगवान की पूजा भी करता हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल पा रहा है कुछ। इसका यही कारण है कि आप सही रूप से कर नहीं पाते, आपको सही पता नहीं है। इसका तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, अगर आप जानना चाहते हो कैसे लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें, वो विधि भी मैं बताऊंगा, वो सामग्री भी मैं दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताऊंगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।